हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। टुडेज टॉपिक इज SN1 एंड SN2 रिएक्शन में डिफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, SN2 रिएक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। सेकंड डिफरेंस इज कार्बोकैटायन का जो फॉर्मेशन होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है SN1 रिएक्शन में, SN2 रिएक्शन में सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। थर्ड डिफरेंस इज रीअरेंज इफ पॉसिबल, अगर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको रीअरेंज करना चाहिए अगर पॉसिबल है तो, और SN2 रिएक्शन में हमारा रीअरेंजमेंट नहीं होता है। फोर्थ वन इज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन आपका जितना ज्यादा स्टेबल है उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। और 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री, SN2 रिएक्शन में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेरिक हिंड्रेंस के, जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही कम होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री।